my channel. This is Priti and I am back with another video. I hope you all are doing great at your places. हाँ जी, तो अगर आपके भी मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि आज सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्यों है, तो वो इसलिए आपने टाइटल तो पढ़ा ही होगा कि आज समथिंग स्पेशल, कुछ डिफरेंट पेंटिंग होने वाली है। नॉर्मल पेपर पे पेंटिंग नहीं होने वाली, तो कुछ इंटरेस्टिंग करने के लिए ये बैकग्राउंड मैंने ब्लैक एंड व्हाइट किया है, क्योंकि मेरी जो पेंटिंग है वो थोड़ी सी स्पेशल और थोड़ी सी कलरफुल। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और आगे ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अब देखते हैं हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होगी इसको पेंट करने में। सबसे पहले तो पेन और पेंसिल आप कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि रफ स्केच ड्रॉ करना होगा तो उसके लिए हमने पेन लिया है। उसके बाद सम टेप्स, क्योंकि आपको बॉर्डर के लिए, बाउंड्रीज के लिए टेप की ज़रूरत पड़ेगी ताकि फालतू में थोड़ा थोड़ा ख़राब ना हो। बट अगर आपको रफ स्केच बनाना है तो उसके लिए टेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद सम स्पॉन्जेस, ये नॉर्मल स्पॉन्ज है जो इजीली अवेलेबल हो जाता है, ये है ब्यूटी ब्लेंडर मेकअप स्पॉन्ज। उसके बाद यू नीड सम कलर्स, ठीक है, सम फैब्रिक कलर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था पेन या पेंसिल लेके आप कुछ भी बाउंड्रीज, बॉर्डर्स जो भी आपने ड्रॉ करना है वो बना लो। देन उसको सिक्योर कर लो विद पेपर टेप और द सेलो टेप। अब हम यूज़ करेंगे वाइट फैब्रिक कलर, वो हम बेस के लिए यूज़ करेंगे ताकि अच्छे से हमारा बेस बन जाए। और उससे क्या होगा, जो हम जोन सा भी कलर यूज़ करेंगे वो अच्छे से पॉप अप होकर आएगा। तो चलो इस पूरे एरिया को फिल करते हैं वाइट से, डैप डैप डैप, या फिर आप पेंट ब्रश लेकर भी पूरा फिल कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं पर्पल कलर का यूज़ कर रही हूँ, तो देखो वाइट कलर पे वो कैसे शो हो रहा है, कैसे पॉप अप होके आ रहा है। बट अगर यही मैं विदाउट वाइट कलर करती तो वो इतना अच्छे से नहीं दिखता। अब थोड़ा सा हम वेट करेंगे इसके ड्राई होने का। ड्राई होने के बाद जो हमने ये टेप्स लगाई थी जिससे हमारी जो बाउंड्रीज थी वो सिक्योर हो रही थी, उसको हटा देंगे क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब सूखने के बाद देखो, ड्राई होने के बाद ये कितना ब्यूटीफुल लगे। अब ड्राई होने के बाद हम ऐसे तो इसको छोड़ेंगे नहीं, तो हमने सोचा क्यों ना इस पर कुछ बटरफ्लाइज ड्रॉ की जाए। आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। तो हम यहाँ पर अपनी बटरफ्लाइज बना रहे हैं और दो चार बटरफ्लाइज बनाएंगे और उसके बाद इसमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स फिल करेंगे। तो चलो करते हैं फिल। हाँ जी, तो इसकी जो भी पिक्चर्स होंगी वो मैं इंस्टाग्राम पे आपको शो कर दूंगी। अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं किया है तो जाओ जल्दी से फॉलो करो। और यहाँ तक वीडियो देख ली है और अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो जल्दी से। तो तब तक हम इसमें ब्लैक कलर फिल करते हैं, आउटलाइनिंग करते हैं। तो लेट्स गो। ओके, तो हमारी ये जो पेंटिंग है, ब्यूटीफुल सी पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताना कि आपको ये पेंटिंग कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।